अभी 4 बज रहे हैं, बंदे देखो सो रहे हैं और हमारी गाड़ी में से सारे बंदे उतर चुके हैं, अभी उतर रहे हैं तो अंदर ही है। ऐसा लग रहा 10-15 एसी एक ही बार में चला के छोड़ दिया है भाई। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है और बहुत ही खुशी टाइप का हो रहा है कि यार पर मैं तो रोंगटे भी खड़े हो गए हैं भाई। महादेव के पास आए तो रोंगटे भी सोच रहे थे आने का लेकिन एकदम से भगवान जी ने बुला लिया भाई। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, कितना मजा आने वाला है। अरे यार मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कितनी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। एक तो खुशी भी है, ठंड भी लग रही है। खैर भगवान बोले बाबा ने बुलाया है तो ठंड क्या चीज़ है। देखो भाई वहाँ पे देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। बंदे सारे सो रहे हैं, अभी सारे बंदे सो रहे हैं, अभी बस लगी है यहाँ पे ऋषिकेश में। अभी बंदे उतर रहे हैं हमारे धीरे धीरे सारे। ठंडी नहीं लगेगा, नहीं लग रही ठंड, सच्ची बता ना मुझे नहीं लगती, ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो अच्छी बात है भैया, तुम्हें तो नहीं लग रही, आपको किसी को ठंड नहीं लग रही। इसको देख, ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही, बताओ ठंड लग रही है नहीं लग रही। हाय बोलो, हेलो बोलो बोलो। नींद में अभी अभी सारे बंदे उतर रहे हैं बस में से। ड्राइवर साहब बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई तुमने, मजा आ गया। ठंडी हवाओं में ला के छोड़ दिया तुमने। गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे हम लोग कहाँ पे हैं। ये देखो ये देख लो नदी, पहाड़ दिख रहे होंगे, पहाड़ भाई साहब क्या ही फील आ रहे हैं। ये अनुवाद साहब उठ रहे हैं भाई, कैमरा तार तक उठ रहे हैं, तेज हवा चल रही है। तुम ये देख लो, इधर से दिखाते हैं, इधर से ये देखो भाई, फड़ आ रही होगी भाई। अब बस ना और 1.5 घंटे की बात है, फिर आपको दिखाते नज़ारे, फिर आप कहना क्या ही नज़ारे हैं। इधर राहुल ब्रो फोटो लेते हुए, ठीक है ऐसे लियो फोटो। ये देखो गाइस भाई इतनी ठंड लग रही है क्या ही बोलूं मैं दोस्तों, बता नहीं सकते। इतना दिल इतना खुश हो रखा है, इतनी बहुत बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है और इतना मजा आ रहा है, इतना मजा भाई साहब। पहली बार एक साथ में आए हैं, इतना मजा आ रहा है, कसम से लग ही नहीं रहा यार। इधर नदी यार, बस घंटे की और बात है, इतनी ठंडी हवा चल रही है।
क्या देख चुके हो यार, लेकिन फिर भी यार एक्सपीरियंस की बात ही अलग है। ये ऊपर की तारे इतनी भयंकर, ये पुल हिल रहा है अभी, बहुत भयंकर पुल हिल रहा है। ठंड लग रही है भाई, कैसी ठंड लग रही है विनोद? बहुत तगड़ी ठंडी हवा चल रही है भाई, एक नंबर का मौसम पूरा खाली है। अभी 4 बजे हैं भाई, देख सकते हो अभी 4 बजे हैं और यहाँ पे देखो एकदम ठंडी। यहाँ पे नीचे नदी है। अभी अभी हम ऋषिकेश में आ चुके हैं। अभी ऋषिकेश में विनोद तगड़ा मजा आ रहा ना, पुल दिखाया मैंने यार। अभी हम राम जी के जो झूला है ना वहाँ पे अभी हम लोग, देखो कितना तगड़ा है, पूरा खाली है। अभी हम लोग सब यहाँ पे, गाइस वो आपको पीछे श्री राम जी की फोटो दिख रही है यार, वो क्या है, कितनी ब्यूटीफुल फोटो है। आपको मॉर्निंग में अच्छे से दिखाएंगे। अभी फोटो शूट कर रहे हैं, अभी श्री राम जी के झूले पे हैं। इधर आप देख सकते हो पुल, राम झूला के यहीं पे है। और भाई क्या ही है, इधर से आपको ये नदी दिख रही होगी, ये यमुना जी की नदी है या जो भी, गंगा जी है सॉरी, मुझे इतना पता नहीं है, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ ऐसे भी। और क्या ही हवा चल रही है यार, यहाँ पर तो इतने मन नहीं कर रहा यार यहाँ से हटने का। राहुल कैसा फील हो रहा है भाई? मेरे को तो बहुत अच्छा वैसे वाला फील हो रहा है, बहुत मेरा मन कर रहा है। अभी जाके ठंडी हो, ठंड तो है लेकिन कोई बात नहीं, एक बार ठंड में मरने पे क्या दिक्कत जा रही है भाई। अभी हमारा शूटिंग भी कंप्लीट हो चुका है, अभी सारे लोग बस में चले गए हैं और हम लोग घूम रहे भाई। अभी लोग बस घूम रहे हैं भाई, टेंशन ही नहीं, लोग टेंशन छोड़ के चले गए, चले भी गए तो यार गाड़ी थोड़ा हम बाद में बताएंगे। अभी मस्ती करते यार, अभी मूड फ्रेश है, ये वो पुरानी बकचोदी नहीं करते, ठीक है भाई। ठंड लग रही है, अब ज्यादा नहीं लग रहा है, अब नहीं लग रहा, अब तो अब नॉर्मल हो गया, ठीक है।
अब ये मत बोले दोबारा नहा ले ठीक है चलते हैं भाई। ये मॉर्निंग व्यू देख सकते हो ऋषिकेश का। अभी धीरे 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 पहाड़ अभी दिखने स्टार्ट होंगे। ये राम झूला है और वो लक्ष्मण झूला उधर। अभी धीरे धीरे पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं दिखने के लिए। अभी हम लोग वहाँ पे नीलकंठ के पास जाएंगे घूमने के लिए, वहाँ से घूम के फिर वापस आएंगे। हम लोग अभी हम लोग नहा के आए हैं, स्नान किया, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बोल नहीं सकते। देखो कितना तरह व्यू है, देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। विनोद भाई कितनी तेज़ हवा चल रही है, वही तो खूबसूरत पहाड़ है। अरे बना लेना यार, इसकी ब्राइटनेस ही बार बार क्यों बढ़ जाए। तो गाइस अभी हम लोग अपने बस में वापस जा रहे हैं। तो गाइस अब हम अपने बस में वापस जा रहे हैं, नहा वहा के अभी निकल चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे, फिर वो जा रहे हैं वो, और वहाँ से फिर हम लोग वापस निकल इधर आएंगे, फिर हरिद्वार फिर जाएंगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे भी जाके नहाएंगे स्नान करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। आप लोग देखो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत खूबसूरत भाई। विनोद का मेरा सपना यहाँ से आज से टूर स्टार्ट हो चुका है, और साथ में दोनों भाई हमेशा एक साथ ही घूमेंगे। और यार व्यू देखो यार, मॉर्निंग का व्यू है, कितना तकड़ा व्यू है, देख सकते हो यार, अलग ही मज़ा है बहुत। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह 5 बजे हम लोग नहा लिए थे, एकदम ठंडा पानी है, बर्फ़ ऐसा लग रहा है बर्फ़ से निकाला है पानी। और यार बहुत सुकून है यार, मतलब यार सारे टेंशन सारे गम एक ही बार में दूर होने वाली जगह है। दिल को जो राहत कहते हैं ना, राहत सुकून वो मिलता है यार यहाँ पे आके। हवा इतनी मस्त चल रही है, ये पहाड़। अभी हम लोग अभी नीलकंठ के पास जाएंगे, नीलकंठ यहाँ से हमें एक घंटा लगेगा, फिर 1 घंटे के बाद, फिर उसके बाद हम लोग वापस यहीं आएंगे, जो कि यहाँ पे हम 3 घंटे बिताएंगे, यहाँ फ़ोटो वोटो शूट करेंगे। अभी जैसे विनोद अभी कैमरा लेके खड़ा हुआ है, अभी फ़ोटो शूट कर ही रहे हैं हम लोग। अरे पहाड़ वहाड़ देख ही सकते हो, कितना तगड़ा व्यू आ रहा है यार। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, और व्यू देख लो तुम, काफी तो ब्लैक दिख रहा है।